राधे राधे भक्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु में अक्षत प्रो ब्रह्म तस्मय श्री गुरुदेव नमः। प्राचीन काल से गुरु और शिष्य के संबंध का आधार था गुरु का ज्ञान, मौलिकता और नैतिक बल, उनका शिष्य के प्रति स्नेह भाव तथा ज्ञान बांटने का निस्सार स्वभाव शिक्षक में होती है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु पूर्ण विश्वास तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं आज्ञाकारिता अनुशासन शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। बड़ी अच्छी कहानी गुरु का स्थान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आशा करता हूँ वीडियो के अंत तक आप बने रहोगे। तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की राजा और महात्मा अवस्था की शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान, गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और जग गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी, राजन आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कोई महीने से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ पर मुझे इनका कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? गुरुजी ने बड़े शांत सर में जवाब दिया, राजन इनका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर कृपा कर के आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन बात बहुत छोटी है परंतु आपने बड़े होने के अहंकार के कारण उसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी है। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा है, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा बड़े हैं परंतु यहाँ पर का और मेरा स्थान गुरु और शिक्षक का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रहा है ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बिठाए और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरु से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु यानी शिक्षक अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं या कोई विद्या सिखाता है, बाद में वही शिष्य के रूप में दूसरों को शिक्षा देता है। यही क्रम चलता जाता है। यह परंपरा धर्म की सभी धाराओं में मिलती है। गुरु शिष्यों की यह परंपरा ज्ञान के किसी भी क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक, संगीत, कला, वेद अध्ययन, वास्तु कला आदि। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। कई गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मा रूप प्रकाश है वो गुरु है। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मान स्थान प्राप्त है का समाज को सुधार की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक के रूप में भी होने के साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाला भी रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। काल में गुरु और शिष्य के संबंध का आधार गुरु का ज्ञान। गुरु और शिक्षक के बीच साप्ताहिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि गुरु अपने शिष्य के साक्षर के रूप में भी कार्य करता है। इसका उद्देश्य रहता है कि गुरु उसका भी अहित सोच भी नहीं सकता। यही विश्वास गुरु के प्रति उनकी आघात श्रद्धा और समर्पण का कारण रहा है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने गुरु शिष्य को परंपरा को परंपरा प्राप्तम चुग बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार प्राप्त मानव जीवन में यही अंतिम और सर्वोच्च लक्षण होना चाहिए। गुरु एक मशाल है, शिष्य एक प्रकाश है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।